तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10th क्लास के अ हिंदी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक इंसान थे, उन्हीं की ज़िंदगी के बारे में, उनकी पूरी ज़िंदगी को इस चैप्टर में बता दिया गया है, ठीक है, एक शॉर्ट कहानी के जरिए। लेकिन याद रखिएगा, ये चैप्टर कहानी नहीं है, ये एक रेखा चित्र है। आप लोग रेखा चित्र जानते भी होंगे, उसको उर्दू में बोला जाता है खाका, रेखा चित्र को खाका बोला जाता है। और मैं आप लोगों को बताई भी थी कि किसी भी इंसान के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अगर कोई इंसान देख रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं ही हूँ, किसी भी इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देख रही हूँ कि वो हर रोज़ क्या कर रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखकर उसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के एक पहलू को उठा ली और लिख कर बता दी कि वो इंसान जो है वो किस तरह का इंसान है, उसका नेचर कैसा है, वो उसका व्यक्तित्व कैसा है, तो उस लिखे हुए को बोला जाता है खाका, और उसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग रेखा चित्र, और इंग्लिश में स्केच बोला जाता है। यानी कि बाल गोविंद भगत की ज़िंदगी पर एक स्केच खींच दिया गया है, बता दिया गया कि बाल गोविंद भगत किस तरह के इंसान थे, ठीक है। तो देखिए, राम वृक्ष बेनी पूरी जो है ना, इस चैप्टर के लेखक है, राइटर है, और उर्दू में बोला जाता है मुसन्निफ़। तो इस चैप्टर के जो लेखक है वो राम वृक्ष बेनी पूरी है, और राम वृक्ष बेनी पूरी बाल गोविंद भगत के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखा करते थे, उनकी हर एक एक एक्टिविटी को देखा करते थे, देखते थे कि वो हर रोज़ क्या कर रहे हैं और वो किस तरह रहते हैं, और देखकर उन्हीं की ज़िंदगी के एक पहलू को उठाकर राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिख दिया और ये बता दिया कि बाल गोविंद भगत किस तरह के इंसान हैं, इनका नेचर कैसा है, इनका व्यक्तित्व कैसा है। तो इस चैप्टर को आप लोग बोलने लगे रेखा चित्र। तो याद रखिएगा, ये चैप्टर रेखा चित्र है, ना कि कहानी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को कहीं कहीं मतलब पढ़कर हंसी भी आएगी, कहीं कहीं आप गम में भी डूब जाएंगे, कभी खुशी कभी गम वाला मोमेंट आएगा आप लोगों के, मतलब इस चैप्टर जब आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो बाल गोविंद भगत के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है हर एक एक एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोग बाल गोविंद भगत के बारे में जान लेते हैं कि ये किस तरह के इंसान थे, इनकी पूरी व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्टिया इंसान थे, वो उनका रंग गोरा था, और वो ना तो ज़्यादा लंबे थे और ना ही ज़्यादा छोटे थे, उनका हाइट मीडियम था, ठीक है, और 60 से ऊपर के ही होंगे, 60 साल के ऊपर के ही होंगे, और उनका पका हुआ बाल था, पूरा बाल पक गया था, सफ़ेद हो गया था, लंबी दाढ़ी तो नहीं थी लेकिन सफ़ेद बालों से ही उनका चेहरा जगमगाया रहता था बाल गोविंद भगत की, ठीक है। और वो कपड़े नहीं पहनते थे, सिर्फ लंगोटी मात्र पहना करते थे, ठीक। आगे बढ़िए, कनफटी टोपी एक डाल लेते थे टोपी, और जब ठंडी का मौसम आता है, जाड़ा का मौसम, तो उस वक्त ये काली कमली ओढ़ लेते, यानी कि काली चादर ओढ़ लेते थे बस ऊपर से, और कुछ नहीं, ठीक है। और राम नंदी चंदन का ये टीका लगाते थे, और टीका भी मतलब नाक के एक छोर से शुरू होता और पूरा, जिस तरह औरतें नहीं लगाती है टीका, बिल्कुल उसी तरह ये भी राम नंदी चंदन का टीका लगाते थे, पूरा नाक के एक छोर से शुरू होता था उनका टीका, ठीक है। और तुलसी की जड़ों की एक ये माला पहनते थे, ठीक। और ये एक सबसे बड़ी बात थी कि ये गृहस्थ थे, गृहस्थ मतलब समझते हैं ना, जो खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करे, अपने परिवार को चलाए, खिलाए पिलाए। तो बाल गोविंद भगत की परिवार कितने थे मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, इनके परिवार में तीन ही लोग थे, एक तो खुद बाल गोविंद भगत थे, और इनका एक इकलौता बेटा था और एक बहू थी, मतलब शादी कर दिए थे अपने बेटे की, तो बहू थी, तीन ही लोग थे, और ये खेती बाड़ी कर अपने परिवार का मतलब पालन पोषण करते थे और अपने परिवार चलाते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे, लेकिन वो दिखने में साधु नहीं लगते थे, ठीक है, जैसे साधु देखने में लग जाता है ना कि हाँ ये साधु है, लेकिन बाल गोविंद भगत को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि वो साधु है, लेकिन उनका जो भी व्यवहार था वो साधु जैसा था, ठीक है। ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे हमेशा, जिस तरह साधु का व्यवहार होता है ना, बिल्कुल उसी तरह इनका व्यवहार था, ठीक। और ये कबीर को साहब मानते थे, याद रखिएगा, कबीर के बहुत बड़े फ़ैन थे, कबीर दास आप लोग जानते होंगे, वो एक कवि हैं, ठीक है। तो उन्हीं के अक्सर गाने को बाल गोविंद भगत गाया करते थे। और चार कोस दूर जो है साहब का दरबार था, कबीर को ये साहब मानते थे, यानी कि कबीर का दरबार, साहब का दरबार जो है बाल गोविंद भगत के घर से 4 कोस दूर था। और जो भी ये गृहस्थी का काम करते, खेती बाड़ी करते बाल गोविंद भगत, और उससे जो भी अनाज निकलता उस अनाज को ले जाकर वही 4 कोस दूर ले जाकर साहब के दरबार में भेंट कर देते, यानी कि दान कर देते। और दान करने के बाद जो भी प्रसाद उनको मिलता, तो प्रसाद के रूप में वो उनको जो भी मिलता वो ले लेते और घर पर लाकर उसी का मतलब खाना बनाकर खाते थे,
ठीक है, जो भी प्रसाद के रूप में मिलता उसी को लाकर अपने परिवार को देते और खुद खाते थे। तो उनकी रोजी रोटी इसी तरह चलती थी, जो भी अनाज उनका निकलता खेती बाड़ी करने से वो ले जाकर साहब के दरबार में देते और फिर उससे जो प्रसाद निकलता मतलब प्रसाद लेते और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते थे, बस इनका यही काम था। ठीक है, और इनकी सबसे बड़ी, बाल गोविंद भगत की सबसे बड़ी खूबी आप बोल सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ खूबी गाना गाना था, मतलब संगीत इनका सर्वश्रेष्ठ खूबी था। इनके संगीत, जब ये गाना गाते थे ना बाल गोविंद भगत, तो सभी लोग इनकी गानों में मग्न हो जाते थे, डूब जाते थे। ऐसा लगता था कि सभी लोग जो टेंशन में बैठे थे उनका टेंशन जो है एक मिनट एक सेकंड में छू मंतर हो गया, इतना बढ़िया ये गाना गाते थे। मतलब इनके गानों में ना सभी लोग गानों की खूब तारीफ करते थे, इनके पूरे गाँव के लोग। ठीक है, तो देखिए ज़रा इनकी गानों के बारे में जान लेते हैं कि ये कब कब और कैसे कैसे गाना गाए हैं और कैसे लोगों को मोटिवेट किए हैं। कभी अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा गम वाला भी मौसम मतलब क्या बोला जाता है मोमेंट देखने को मिलेगा और खुशी वाला भी मोमेंट देखने को मिलेगा। देखिए आषाढ़ का महीना था, आषाढ़ भादो कार्तिक, इस तरह का महीना होता है ना हिंदी में, तो आषाढ़ का महीना था, तो इनके संगीत का जादू देखिए। आषाढ़ का महीना था, रिमझिम सी बारिश हो रही थी गाँव में और हवाएं भी चल रही थी और ठंड थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही थी और जितने भी और हल चलाया जा रहा था खेतों में और धान नहीं बोया जाता है तो धान लोग बो रहे थे और रिमझिम सी बारिश हो रही थी और तेज़ हवाएं चल रही थी और सभी लोग बोल रहे थे कि नहीं अब ठंड लगने लगा, अब चलो नहीं हो पाएगा, धान नहीं रोपा पाएगा। और औरतें जो है वो मेड़ी पर, मेड़ी समझते हैं ना, दो खेतों को बांटने के लिए एक बांध बना दिया जाता है पतला सा, उसी को मेड़ी बोला जाता है। गाँव जो स्टूडेंट गांव के होंगे ना वो समझते होंगे। तो मेढ़ी पर औरतें जो है वो कलेवा लेकर बैठी थी, यानी कि 12 बजे का खाना लेकर बैठी थी और बच्चे वहीं पर भी थे और हल चल रहे थे और उसके बाद से बहुत सारी, तो सभी लोग मतलब बोल रहे थे कि नहीं अब बारिश होने लगा और तेज़ हवाएं चलने लगी, ठंड होने लगा, अब चलो चला जाए, ठीक है अब नहीं हो पाएगा काम। लेकिन उसी वक्त बाल गोविंद भगत अपना गाना गाते मतलब बाल गोविंद भगत की गाना सुनाई देने लगी और वो गाना गाते हुए अपनी खेत में धान की रोपाई कर रहे थे, धान लिए और टपाटप मतलब धान की रोपाई करने लगे और गाना गाना शुरू कर दिए और इतना अच्छा गाना गाए ना कि जितने भी गांव के लोग थे जो खेत की रोपाई करने आए थे और जो औरतें कलेवा लेकर बैठी थी वो सभी उनके गानों में इतना मग्न हो गए कि सभी लोग जो है ना वो अपना काम शुरू कर दिए और सभी लोग अपने खेत में रोपाई करना शुरू कर दिए। जैसे जैसे बाल गोविंद भगत गाना गाते वैसे वैसे उसी तरह मतलब उनका हाथ चलता था और सभी लोग उसी तरह काम करने लगते थे, ठीक है, उनके गानों में मग्न होकर औरतें भी गाने लगी उनके साथ साथ, दोबारा तिबारा उनका साथ देने लगी, ठीक है, और जितने भी मतलब लोग थे वो अपना काम करना शुरू कर दिए। सोचिए बाल गोविंद भगत के गाने में कितना जादू था, ठीक है। तो ये थे बाल गोविंद भगत, इनकी वजह से सभी लोग अपनी खेत की रुपाई भी कर लिए और खुश भी हो गए और सारा का सारा टेंशन भी ख़त्म हो गया। अब देखिए भादों के महीने में क्या हुआ था कि बारिश हुई थी रात के मतलब अंधेरी अंधरतिया थी, यानी कि 12 बजे रात हो रहा था, रात का 12 बज रहा था और उसके बाद से बारिश अभी होकर थमी हुई थी, ठीक है, और उसके बाद से जो झिंगुर का आवाज़ नहीं होता है और मेंढक भी बोलते हैं, झिंगुर भी बोलता है, आप लोग जानते भी होंगे जब बारिश हो जाता है तो मेंढक और झिंगुर का आवाज़ अक्सर सुनाई देता है। तो उसी वक्त भादों का महीना था और अंधेरी अधरतिया यानी कि 12 बजे रात को इसी तरह बारिश होकर थमी हुई थी, रुकी हुई थी और आवाज़ सुनाई दे रहा था झिंगुर का और उसके बाद से मेंढक का, तो सभी लोग सोए हुए थे। लेकिन उसी 12 बजे रात को जो है ना बाल गोविंद भगत की गाना सुनाई देने लगी, मतलब इतना वो तेज़ गा रहे थे कि झिंगुर और मेंढक का आवाज़ बंद हो गया और उन्हीं का गाना जो है पूरे गांव में गूंजने लगा। अब सभी लोग उठकर बैठ गए कि भाई 12 बजे रात को कौन गाना गाने लगा, बाल गोविंद भगत पगला गया है क्या, सभी लोग यही सोचने लगे। इतना मतलब गाना ठीक है लेकिन कभी भी ये शुरू हो जाएंगे, मतलब गाना गाने का कोई टाइमिंग तो होता है, अब ऐसा नहीं है कि रात के 12 बजे ही शुरू हो जाए। तो बाल गोविंद भगत को देखिए वो रात के 12 बजे ही शुरू हो गए थे गाना गाने, मतलब गाना गाने के लिए, ठीक है। आगे देखिए कार्तिक का महीना आया, कार्तिक के महीने में देखिए वो क्या करते थे, मतलब इनका रोज का यही रूटीन था कि वो सुबह उठेंगे, सबके उठने से पहले उठेंगे और नदी स्नान करने जाएंगे, मतलब इनको नदी में नहाते हुए कोई देखता ही नहीं था,
मतलब इतना ये सुबह उठते थे और नदी स्नान करके तैयार वैयार होकर उसके बाद से पोखरा के ऊंचे भिंड पर, पोखरा समझते हैं ना, एक तरह से आप बोल सकते हैं नदी टाइप का होता है, गड्ढा रहता है उसी में पानी रहता है पोखरा, गांव के मतलब जो स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे, पोखरा के ऊंचे भिंड, पोखरा का साइड का जो मिट्टी का ऊंचा भिंड होता है ना, उसी पर जाकर बैठ जाते थे और अपनी खजड़ी लेकर, पोखरा के ऊंचे भिंड पर अपनी खजड़ी, खजड़ी मतलब समझते हैं आप लोग, देखे भी होंगे नारायण, नारायण जो लोग मतलब हिंदू धर्म में करते हैं वो जो नारायण रहते हैं ये इस तरह ले वो खजड़ी लेकर इस तरह करते हैं नारायण नारायण, उसी तरह ये भी लिया करते थे बाल गोविंद भगत खजड़ी लेकर और जा बैठते उस पोखरा के ऊंचे भिंड पर और वो अपना गाना गाना शुरू करते और इतना गाना गाने में मग्न हो जाते थे कि अपने ऊपर जो काली कमली ओढ़े रहते थे यानी कि काला चादर ओढ़े रहते थे वो गिर भी जाता था तो भी ये गाना गाते ही रहते, इतना गाने में ये मग्न हो जाते थे, बजाते खजड़ी और गाते रहते, खजड़ी बजाते और फिर गाते रहते, और इनका रोज सुबह में जो है ना गाना सुनाई देता ही देता था, सभी लोग जो है इन्हीं के गानों से उठते थे सुबह में, ठीक है। और उसके बाद से अब आया गर्मी का मौसम, अब गर्मी के मौसम में देखिए आंगन में संगीत का जादू, देखिए गर्मी के मौसम में ना आंगन, इनके घर का जो आंगन था उनमें वहाँ पर सभी लोगों को ये बुला लिया करते थे और गाना गाना शुरू करते थे, धीरे धीरे स्टार्ट होता और सभी लोग उनका साथ देते थे, जितने भी लोग आए रहते थे वो भी गाना गाते थे और बाल गोविंद भगत तो गाते ही थे, अब गाते गाते इतना मग्न हो जाते थे वो डांस भी करने लगते थे बाल गोविंद भगत, ठीक है। इस तरह का मतलब बाल गोविंद भगत की जो है ना गाना लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी भी देता था, कभी कभी परेशान भी कर देते थे बाल गोविंद भगत, इस तरह चलता रहा बहुत सालों तक, बहुत सदियों तक, सदियों नहीं बोलिए बहुत सालों तक इसी तरह चलता रहा। लेकिन जो इनका एक लौता बेटा था, मैं आप लोगों को शुरू में ही बताई थी ना कि बाल गोविंद भगत के परिवार तीन ही लोग थे, परिवार में एक बाल गोविंद भगत खुद थे और उनका एक लौता बेटा था, एक बहू थी, तो उनका जो एक लौता बेटा था वो मंद बुद्धि टाइप का था, मतलब उतना उसके पास दिमाग नहीं था, सोच नहीं पाता था, और इसको कोई बीमारी हो गई थी, कोई बीमारी की वजह से इनका इकलौता बेटा जो है वो इंतकाल कर गया, उसकी मौत हो गई, मतलब बाप से पहले ही बेटा मर गया, तो उस बेटे को सुला दिया गया था, वो उड़ा दिया जाता है सफ़ेद कपड़ा और फूल की माला पहनाई गई थी, आप लोग जानते भी होंगे जो अक्सर हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं उनके घर की कोई सदस्य का इंतकाल हो जाता है, मौत हो जाती है तो वो फूल की माला पहना देते हैं लोग, तो बिल्कुल उसी तरह बाल गोविंद भगत के जब इकलौते बेटे की मौत हुई थी तो सफ़ेद चादर उड़ाकर फूल की माला पहनाकर सुला दिया गया था और उनके सर के बगल में एक चिराग जल रहा था। अब बाल गोविंद भगत की जो बहू थी यानी कि इनके इकलौते बेटे की बीवी, वो बहुत ज़्यादा रो रोकर अपना बुरा हाल कर ली थी, गाँव की औरतें उनको मतलब चुप करा रही थी कि चलो जो हो गया सो हो गया, ठीक है। लेकिन बाल गोविंद भगत को देखिए इनका ये क्या किए, अब वहाँ पर गाना गाना शुरू कर दिए, वहीं पर अपने बेटे की मौत उनके सामने, अपने बेटे का लाश है, ठीक है, लेकिन वहीं पर वो गाना गाना शुरू कर दिए और जाकर सभी लोगों को बोलने लगे कि इसमें रोने की क्या बात है, खुशी मनाओ, अपने पतों से भी जाकर बोलने लगे कि तुम रो क्यों रही हो, खुशी मनाओ, क्योंकि जो आत्मा है ना वो परमात्मा से मिल गई, यानी कि मेरे बेटे का जो जिस्म का रूह है वो अल्लाह ताला यानी कि खुदा के पास चला गया, आत्मा परमात्मा से मिल गई, इसमें रोने की कोई बात नहीं है, खुश हो जाओ, ठीक है। सोचिए बाल गोविंद भगत किस तरह के इंसान थे, मतलब ये अपनी ज़िंदगी में कभी टेंशन लिए ही नहीं थे, हमेशा इनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम जो भी परेशानी आती थी ना ये हंस कर और खुशी से मुस्कुरा कर उसका सामना करते थे। तो जब इनकी बेटी की मौत हुई तो ये वहीं पर गाना गाना शुरू कर दिए और सभी लोगों को बोलने लगे कि इसमें दुख होने की कोई बात नहीं है, इसमें हर इंसान को जब मरना लिखा रहता है वो मर जाता है, मेरा बेटा का भी मरना लिखा था, उसका इंतकाल हो गया, उसकी आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई, तो इसमें रोने की क्या बात है, खुश रहो, ठीक है, इस तरह के थे। तो और इनके जो बेटा इंतकाल कर गए थे और उसका लास्ट अंतिम क्रिया नहीं करवाई जाती है हिंदू धर्म में, करवाया जाता है क्या बोला जाता है उसको, उसको बोला जाता है क्रियाक्रम, हाँ क्रियाक्रम करवाया जाता है, ले जाकर जलाते हैं लो लास्ट को, आई थिंक अंतिम संस्कार ही बोला जाता है क्रियाक्रम लास्ट का, तो लेकर गए लो और बाल गोविंद भगत जो है ना अपने बेटे की खुद मतलब खुद नहीं जलाए वो अपनी बहू को दे दिए, पतों को दे दिए कि लो तुम जलाओ, ठीक है। और वो क्या कर दी, उसकी पतों ही जलाई और अंतिम क्रिया हो गई, अंतिम संस्कार हो गई, घर आ गए लो सब लोग, और अंतिम संस्कार होने के बाद जब घर आए लो बाल गोविंद भगत और उनकी पतों, तो बाल गोविंद भगत अपने बहू से बोले, पतों से बोले कि देखो तुम अपने भाई को बुलाओ,
तो जब उनकी बहू जो है भाई को बुलाई अपने, तो बाल गोविंद भगत उनसे बोले कि देखो मेरी बहू को तुम अपने घर लेकर जाओ और इसकी दूसरी शादी कर दो। अब उनकी बहू ये बात सुनकर बोलने लगी कि नहीं मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। रोने भी लगी कि आपका ध्यान कौन रखेगा, आप इस तरह कमज़ोर पड़ जाएंगे, नहीं मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन बाल गोविंद भगत नहीं माने, वो बोल दिए क्या कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब मजबूरन बेचारी क्या करती उनकी बहू, उनको उसको जाना ही पड़ा, उसका भाई लेकर अपने घर चला गया, उसकी दूसरी शादी भी हो ये नहीं बताया गया हुई कि नहीं, मतलब लेकर चला गया। ठीक है, अब बाल गोविंद भगत की मतलब ज़िंदगी के बारे में सुनिए, अब बाल गोविंद भगत की कहानी सुनिए। वो अपने घर में अकेले हो गए थे, उनका जो इकलौता बेटा था उसकी मौत ही हो गई थी और अपने बहू को ज़बरदस्ती अपने घर भेज दिए। तो अब वो अपने घर में अकेले थे, अपने खाने पीने पर उतना ध्यान नहीं रखते थे, धीरे धीरे कमज़ोर भी हो गए थे। और उनका हर साल का ये रूटीन था कि वो हर साल जो है ना गंगा स्नान के लिए 30 कोस दूर, याद रखिएगा 30 कोस दूर पैदल जाते थे गंगा नहाने के लिए। गंगा नदी जो था बाल गोविंद भगत के घर से 30 कोस दूर था, 30 कोस मतलब हो जाएगा लगभग 90 किलोमीटर। तो 30 कोस दूर वो पैदल जाते थे, कोई साधन नहीं था, वो पैदल ही जाते थे और घर से खाना खाकर जाते, और 4-5 दिन लग जाता था 30 कोस दूर जाने में। और 4-5 दिनों तक वो रास्ते में किसी से मांग कर भी नहीं खाते थे, भिक्षा मांग कर या फिर कोई देता भी तो भी नहीं खाते थे, क्योंकि वो एक साधु थे और वो ये मानते थे कि कोई किसी से भिक्षा लेकर नहीं खाना चाहिए, और इसीलिए रास्ते में उनको कोई देता भी तो वो नहीं खाते थे। डायरेक्ट जाकर गंगा स्नान करते और नहाकर घर का खाया हुआ खाना खा कर जाते और फिर गंगा स्नान करके वापस घर पर ही आकर खाते थे। ठीक है, और इस तरह हर साल ये करते थे। लेकिन जब ये इस साल गंगा स्नान करने गए तो ये पहले से ही कमज़ोर थे, और गंगा स्नान करने के बाद जब वो घर पर आए तो घर पर आने के बाद वो कमज़ोरी फील करने लगे, क्योंकि वो हर साल आया करते थे, गंगा स्नान के बाद घर आते थे तो कोई कोई काम में बिजी हो जाते थे, लेकिन वो अब कमज़ोरी फील कर रहे थे क्योंकि वो अपने खाने पर ध्यान नहीं रखते थे, खाने पीने पर, और बहू को भी ज़बरदस्ती अपने घर भेज दिए थे। बहू रहती तो उनके खाने पीने पर ध्यान देती, और इनकी उम्र भी हो गई थी, 60 से ऊपर के थे, और गांव वाले भी बाल गोविंद भगत से बोला करते थे कि देखिए आप खाने पीने पर ध्यान दीजिए। लेकिन ये जो है बाल गोविंद भगत गांव वाले की बात नहीं सुनते थे और कहते थे कि जब मौत लिखा रहेगा कभी भी हो सकता है मौत, जिस दिन आपकी मौत लिखी रहेगी उसी दिन होगी, और ये बात कहकर टाल देते थे, खाने पीने पर ध्यान नहीं रखते थे। तो जब वो आए तो कमज़ोरी फील कर रहे थे, खाना खाए हैं, उसके बाद से गाना वाना गाकर रात को सो गए। सुबह हुई तो सुबह को बाल गोविंद भगत की गाना नहीं सुनाई दी लोगों को। अब सभी लोगों के मन में ये सवाल उठा कि आखिर बाल गोविंद भगत गाना क्यों नहीं गाया, उसकी गाना क्यों नहीं सुनाई दी। ठीक है, अब देखिए जो इंसान आप लोगों को रोज़ परेशान करता है ना, हर रोज़ परेशान करता है, एक दिन वो परेशान नहीं करेगा ना तो आप लोगों के मन में खुद सवाल उठेगा कि आखिर ये आज परेशान क्यों नहीं किया। बिल्कुल उसी तरह बाल गोविंद भगत के साथ हुआ था। बाल गोविंद भगत हर रोज़ सभी के उठने से पहले वो नदी स्नान करके तैयार वैयार होकर पोखरा के ऊँचे भिंड पर अपनी खजड़ी लेकर गाना गाना शुरू कर देते थे। लेकिन उस दिन जो है बाल गोविंद भगत की गाना नहीं सुनाई दी, सभी लोगों के मन में उसी तरह सवाल उठने लगे कि आखिर बाल गोविंद भगत गाना क्यों नहीं गया, और पूरे गांव वाले जो है बाल गोविंद भगत के घर गए और जाकर देखे तो बाल गोविंद भगत जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, उनकी मौत हो गई है। वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी में ना ही किसी से झगड़ा किया था, ना किसी से झगड़ा मोल लिया था, हमेशा दूसरों से प्यारी और मीठी मीठी बातें किया करता था, वो अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था, उस इंसान की मौत हो गई है। ठीक है, सभी लोगों को बहुत अफसोस हुआ कि इतना अच्छा व्यक्तित्व का इंसान उन्होंने खो दिया, गांव वाले बहुत अफसोस कर रहे थे। और यहीं पर जो है आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा और जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद से क्या आप इस वीडियो को अपने पास ही रखेंगे, बस अब मेरा वीडियो बंद कर देंगे, नहीं, दूसरों के पास भी शेयर कीजिए, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।